हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, नेशनल फ्लैग तुहाडे सामने है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। 15 अगस्त 1947 नूं बड़ी लंबी जद्दोजहद दो बाद भारत आज़ाद होया। तो भारत के एक आज़ाद भारत लिए एक नवा संविधान बनाने लिए जो प्रोसीजर चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही थी, होर तेज़ गति आई। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन की मुशक्कत तो बाद, मेहनत तो बाद भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हो गया। सो 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 लागू किया गया। ज्यों ही भारतीय संविधान लागू होया, भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, जिन्हों आप गणतंत्र देश, गणराज देश बन गया। इस करके हर साल 26 जनवरी असी गणतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे मनाने हाँ। सो 26 जनवरी 1900 भारत को एक रिपब्लिक कंट्री बनिया। इस दे नाल ही भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश का हैड एक अजिहा व्यक्ति होगा जो भारत के लोगों द्वारा चुने जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द स्टेट इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो भारतीय संविधान अनुसार देश का संविधानक मुखी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सो भारत को एक नवी उपाधि मिल गई, भारत के हैड की, स्टेट ऑफ हैड इज नोन एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, संविधानक मुखी राष्ट्रपति। सो प्यारे बच्चे, अज अपना टॉपिक है भारत के राष्ट्रपतियों बारे आप पढ़ांगे। 1950 तो लैके 2022 तक भारत के किन्ने राष्ट्रपति होए ने, कौन कौन राष्ट्रपति होए ने, उन्होंने संबंधित सानू वक् वक् एग्जाम के जोड़े क्वेश्चन आते हैं उस रिलेटड आप शॉर्ट एक वीडियो देखा। मैं थोड़ा अपना पंकज गोयल, SS मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल लड़कियां बरनाला तो। आओ आप अज की यह वीडियो शुरू करते हैं, जिस दे विच असी भारत के वक् वक् राष्ट्रपतियों बारे जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला तुहाडे सामने स्क्रीन के उत्ते आ रहे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति 26 नवंबर 1950 इन्होंने अपना अहुदा सांभिया। 26 नवंबर 1950 तो लैके 13 मई 1962 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हों की कार्यकाल भारत के हुण तक के राष्ट्रपतियों के सब तो लंबा कार्यकाल किन्हां दा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है 12 साल 107 दिन यह भारत के राष्ट्रपति रहे ने। यह संविधान सभा के चेयरमैन भी सीगे, जिहड़ी साडी संविधान सभा सी उहदे चेयरमैन भी कौन सीगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खरड़ा कमेटी के चेयरमैन सीगे डॉक्टर BR अंबेदकर। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, सब तो लंबा कार्यकाल जिहड़ा रहा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। बिहार स्टेट नाल संबंधित सन, इस करके इन्हां नूं बिहारी गांधी भी कहा जाता सी। तो तुसीं याद रखना है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब तो लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति तुहाडे सामने आ गई पिक्चर, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बड़े ही सूझवान व्यक्ति सन जो पहला अध्यापक रहे सन। सो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने 13 मई 1962 1962 तो लैके 13 मई 1967 तक यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। इन्ह का जन्मदिन 5 साल का कार्यकाल रहा। जन्म दिवस 5 सितंबर होंदा है। सो इस करके इन्हों का जिहड़ा जन्म दिवस है, क्योंकि यह पहला अध्यापक रहे सी, अपने अध्यापक किया होने इन्हों माण सी। सो 5 सितंबर असी अध्यापक दे टीचर डे दे तौर दे उत्ते, दिवस के तौर के उत्ते सारे भारत में मनाने हैं। इन्हों जन्मदिन 5 सितंबर की मनाने अध्यापक दिवस या टीचर डे मनाने। भारत की पहली फर्स्ट नैशनल एमरजेंसी ऑफ इंडिया 1962 के लानी पई सी, जिहड़ी इंडो चाइना वार दे करके लगानी पई सी। सो वो इन्हां दे समय दे विच लगी सी। सो इस तों मगरों आपां चलदे हां तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति सीगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 तो लैके 3 मई 1969 तक इन्होंने कार्यकाल किया, भाव 1 साल 355 दिन का इन्हों का कार्यकाल रहा। यह अपने टर्म पूरी नहीं कर सके। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति सन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन सन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के पहले राष्ट्रपति जिन्हों की मौत कार्यकाल दौरान हो गई है, देखो आप देखा सी ना 67 दे विच इन्होंने शपथ ली, जां 67 दे विच राष्ट्रपति बने, 1969 दे विच राष्ट्रपति तो उतर गए, भाव इन्हों की डैथ हो गई सी, इन सर्विस इन्हों की डैथ हो गई सी। अजिहे भी यह पहले राष्ट्रपति सी जिन्हों की इन सर्विस डैथ हुई सी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सो इन्हां नाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के पहले अजिहे राष्ट्रपति जिन्हों की ऑन ड्यूटी डैथ हो गई सी, सर्विस के दौरान डैथ हो गई सी, कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाए। ओके, नैक्सट क्वेश्चन,
नैक्सट साढ़े को आ गया फोर्थ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वी वी गिरी। तुहाडे सामने तस्वीर है श्री वी वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे 24 अगस्त 1969 तो लैके 24 अगस्त 1974 तक इन्हों ने 5 साल का जो इन्हों का टर्म से कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने समय दूसरी नैशनल एमरजेंसी जी दूसरी 1971 के लगी भारत पाकिस्तान की जी लड़ाई हुई सी करके सैकेंड नैशनल एमरजेंसी लानी पई सी। इसे 1971 की जंग बंगलादेश एक आजाद देश के रूप के बन के सामने आया सी। सो चौथे प्रेजिडेंट सके साढ़े श्री वी वी गिरी फोर्थ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हुण आपां गल करदे आं फिफ्थ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तुहाडे सामने ने श्री फारूक दीन अली अहमद पंजवें राष्ट्रपति सीगे भारत दे श्री फारूक दीन अली अहमद फिफ्थ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सैकेंड मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फस्ट सीगे डॉक्टर जाकिर हुसैन 24 अगस्त 1974 नूं बने सी ते 11 फरवरी 1977 तक रहे। इट मीनस इन्हां ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इन्हां दी भी डैथ इन सर्विस कार्यकाल के दौरान हो गई सी। इन्हों का कार्यकाल रहा 2 साल 171 दिनों का लगभग इन्हों का कार्यकाल से। भारत की तीसरी एमरजेंसी थर्ड एंड द लास्ट नैशनल एमरजेंसी ऑफ इंडिया 1975 इन्हों के समय दौरान लगाई गई सी। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सी जदों यह थर्ड एमरजेंसी भारत के उत्ते लगाई गई सी। सो फारूक दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम दूसरे इन सर्विस डैथ वाले ते लास्ट एमरजेंसी इन्हां दे समय लगी सी 1975 दे विच। छेवें प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिक्स प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया छेवें राष्ट्रपति भारत दे श्री नीलम संजीवा रेड्डी। तुहाडे सामने पिक्चर है नीलम संजीवा रेड्डी भारत दे छेवें राष्ट्रपति सी 25 जुलाई 1977 तो लैके 25 जुलाई 1982 तक यह भारत दे राष्ट्रपति रहे। 5 साल इन्हां ने कार्यकाल किया। सो बेटा एक 25 जुलाई तुसीं देखोगे इस तो मगरों जिन्हें भी राष्ट्रपति आए सारिआं दा कार्यकाल 25 जुलाई तो शुरू होगा। सो 25 जुलाई की जिहड़ी रीत सी ओह नीलम संजीवा रेड्डी जी ने पाई सी वी 25 जुलाई तो राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होया होए करया करेगा। सो ये रीत किसने पाई सी श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी ने पाई सी। होर इन्हां दी विशेषता की सी ये निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति सी भाव इन्हां दा विरोध दे विच कोई भी कैंडीडेट नहीं सी निर्विरोध चुने गए सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किहड़े राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए श्री नीलम संजीवा रेड्डी। 2022 तक इन्हां दे नाम दे उत्ते एक होर रिकॉर्ड भी सी यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत की सब तो घट उम्र के प्रेजिडेंट होने का रिकॉर्ड भी 2022 तक इन्हों के नाम ही रहा है। अगे चलते हैं भारत के सैवंथ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सत्तवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह वाज द सैवंथ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म से 25 जुलाई 1982 तो लैके 25 जुलाई 1987 तक 5 साल का इन्हों का कार्यकाल से। इंपॉर्टेंट की है पहले सिख राष्ट्रपति सन भारत के पहले सिख वाज द फस्ट सिख प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह। इन्हों के समय दौरान इंदिरा गांधी की हत्या हुई सी बेटा 1984 के भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी बने से। सो इन्हों के टर्म के इंपॉर्टेंट जड़ियाँ हुई सी तां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनता है पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सैवंथ सीगे। 8th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के 8वें राष्ट्रपति श्री रामा स्वामी वेंकटरामन। तुहाडे सामने पिक्चर है इन्हों की। इन्हों का कार्यकाल से 25 जुलाई 1987 तो लैके 25 जुलाई 1992 तक 5 साल का इन्हों का कार्यकाल से। नॉर्मल साधारण कार्यकाल से पर इन्हों के कार्यकाल दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी अस्थिरता वाली सी। 5 सालों के इन्हों के कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बदले गए सी। सो ये उस समय स्थितियां उजागर करते हैं भी इन्हों के 5 साल के कार्यकाल के भारत के 5 प्रधानमंत्री चेंज हो गए 4 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके सन 5 सालों के 9th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा। तुहाडे सामने पिक्चर भी है शंकर दयाल शर्मा जी की। इन्हों का कार्यकाल से बेटा 25 जुलाई 1992 तो लैके 25 जुलाई 1997 तक का 5 साल का कार्यकाल रहा। इन्हों के कार्यकाल के एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई सी तुसी जानते हो सरकारी स्कूलों के पहली तो लैके 8वीं तक मुफ्त बच्चों मिड डे मील मिलता है। सो ये मिड डे मील स्कीम इन्हों के कार्यकाल दौरान शुरू हुई सी 15 अगस्त 1995 याद रखना है मिड डे मील स्कीम कदों शुरू हुई 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील स्कीम शुरू हुई सी। उस समय भारत के राष्ट्रपति सीगे 9th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री शंकर दयाल शर्मा प्राइम मिनिस्टर सीगे श्री पी वी नरसिम्हा राव। सो मिड डे मील स्कीम इन्हों के कार्यकाल दौरान शुरू हुई सी याद रखना है 15 अगस्त 1995। 10th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री के आर नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन। इन्हों का कार्यकाल से 25 जुलाई देखो 25 जुलाई शुरू हो गए ना सारे कितने 25 जुलाई आऊगा 25 जुलाई 1997 तो लैके 25 जुलाई 2002 तक 5 साल का इन्हों का कार्यकाल रहा। इंपॉर्टेंट की सी भारत के पहले एस सी राष्ट्रपति सी देखो ज्ञानी जैल सिंह जी
सिख राष्ट्रपति रहे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुस्लिम राष्ट्रपति पहले रहे श्री के आर नारायणन, पहले एससी राष्ट्रपति कौन सी श्री के आर नारायणन सके भारत के दसवें, तो पहले एससी राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन भारत के हुण तक के जिहड़े राष्ट्रपति बने से उन्होंने सब तो वध उम्र इन्हां दी सी 77 साल के ये राष्ट्रपति सके, भारत के सब तो वध उम्र दराज राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन पहले एससी राष्ट्रपति। तुहानू पता ना भारत का राष्ट्रपति बनने वास्ते घट तो घट उम्र किन्नी चाहिए है 35 ईयर्स, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण आपां गल करदे हां भारत के 11वें राष्ट्रपति द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, बहुत ही गुड परसनैलिटी, देश नूं डिब्यूटर, देश प्रति, समाज प्रति, लोगों प्रति, बच्चों प्रति, स्टूडेंट्स प्रति इन्हों का बहुत ही लगा रहा है, अपना सारा जीवन इन्होंने देश प्रति समर्पित करता। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 तो लैके 25 जुलाई 2007 तक इन्हों का कार्यकाल रहा बेटा, समा बहुत ही शानदार समा रहा है। यह इन्हों मिजाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल जाने जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट एज ए प्रेजिडेंट इन्होंने बच्चों वास्ते यूनीवर्सिटी के कॉलेज के बहुत कुछ किया। इन्हों का जन्म दिवस जो 15 अक्तूबर होंगे वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। इन्हों की जीवनी है द विंग्स ऑफ फायर, बड़ी ही मोटिवेशनल बुक है, तुहानू सारे बच्चों वह पढ़नी चाहिए है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, मिजाइल मैन ऑफ इंडिया। अगे आप गल करते हैं भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के 12वें राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट की है, पहली महिला राष्ट्रपति। सो इन्हों का कार्यकाल से 25 जुलाई 2007 तो लैके 25 जुलाई 2012 तक 5 साल का कार्यकाल रहा इन्हों का। इंपॉर्टेंट की है भारत की पहली स्त्री राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली स्त्री राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हुण आपां गल करदे हां 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, 13th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी, कार्यकाल 25 जुलाई 2012 तो लैके 25 जुलाई 2017 का कार्यकाल रहा, 5 साल का कार्यकाल से। इंपॉर्टेंट चीज़ की सी भारत रत्न अवार्ड मिलिया बेटा, होर राष्ट्रपतियों भी मिलिया सी। इन्हां वेले की सी जदों ये राष्ट्रपति बने सी उदों इन्हां दी अपनी पार्टी की सरकार सी, कांग्रेस सरकार सी, पर 2014 दे विच बीजेपी की सरकार आ गई, इन्हां नूं बीजेपी ने भारत रत्न अवार्ड दिता सी, इस करके इन्हां दा भारत रत्न अवार्ड कुछ डिफरेंट व्यू नाल है भी एक खास उहदे नाल दिखाया जाता है। सो इस तों मगरों साढ़े 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी सीगे, तुहाडे सामने पिक्चर है, 25 जुलाई 2017 तो लैके इन्हों का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 तक रहा, हुनी हुनी अपने अहुदे तो रिटायर हुए ने पिछले महीने ही, 5 साल का कार्यकाल रहा। RSS नाल संबंधित सीगे ये, इस तो बिना दूसरे SC राष्ट्रपति भी यह साढ़े श्री रामनाथ कोविंद सीगे, पहले साढ़े कोले सीगे के आर नारायणन 10वें राष्ट्रपति। सो 14वें राष्ट्रपति दूसरे SC राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। हुण आपां गल करदे हां साढ़े मौजूदा ते 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये साढ़े भारत के 25 जुलाई 2022 नूं 15वें राष्ट्रपति नियुक्त होए ने, दूसरी स्त्री प्रेजिडेंट ने साढ़े, लेडी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सैकेंड प्रेजिडेंट ने जिहड़े एज ए लेडी ने जिहड़े सैकेंड प्रेजिडेंट ने, पहले सीगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये दूसरी स्त्री है जो साढ़े भारत के सब तो उच्चे संविधानिक पद ते पहुंचे ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 नूं बेटा इन्हां ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर सहुं चुकी है, 15वें राष्ट्रपति बने ने। इन्हां नाल इंपॉर्टेंट की है, पहली ST आदिवासी जिन्हों जाति संबंधित शड्यूल ट्राइब्स संबंधित पहले राष्ट्रपति ने भारत के, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला राष्ट्रपति ने, आपां गल कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, भारत की सब तो घट उम्र की राष्ट्रपति ने, द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आपां गल की सी ना पहला नीलम संजीवा रेड्डी जी की भी वो 2022 तक रिकॉर्ड रहा, उन्हों का रिकॉर्ड इन्होंने आके तोड़ता, ए नाओ शी इज़ द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इन्हों के होर एक खासियत की है, ये शी इज़ द फस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हों का बर्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस होया है, इन्हों तो पहला जिन्हें भी प्रेजिडेंट बने ने सारों का जन्म 1947 तो पहला 15 अगस्त 1947 तो पहला का होया। सो नाओ शी इज़ द फस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हू बॉर्न आफ्टर 15th of August 1947। उस तरह साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दमोदर दास मोदी जी का भी जन्म 15 अगस्त 1947 तो बाद 15 अगस्त 1947 तो बाद होया। सो इस तरह असी देखिया अज आप भारत के वक् वक्
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਵਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।